आज से कुछ दिन पहले हमें एक ब्लैक होल मिला जिसकी एक्रेशन डिस्क की ग्रेविटी उसकी खुद की ग्रेविटी से ज्यादा है और इसी वजह से ऐसे ब्लैक होल का मौजूद ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ब्लैक होल मौजूद भी है और इस वक्त ये इतना बड़ा हो चुका है कि इसकी दोनों साइड्स पर 7 गैलेक्सीज आसानी से आ सकती हैं। क्या हुआ, दिमाग चकरा क्या? इस ब्लैक होल का नाम है M0735 जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा रखा है। जब पिछले साल साइंसदान कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को स्टडी कर रहे थे तब उन्हें जमीन से 2.6 बिलियन लाइट ईयर दूर कैमेलोपार्डेलिस कॉन्स्टेलेशन में कुछ अजीब सी चीज दिखाई थी। उन्होंने देखा कि वहां एक अजीब सा वॉइड यानी खाली एरिया है जो जरूरत से ज्यादा बड़ा है, लेकिन यहां ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसकी वजह से ये एरिया बना हो। तो आखिर ये वॉइड कैसे बना? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए साइंसदानों ने उस वॉइड को माइक्रोवेव बैकग्राउंड के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी स्टडी करना शुरू कर दिया और फिर उन्हें स्पेक्ट्रम में ऐसी तस्वीरें दिखाई थी जो हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल से मिल रही थी। इसका क्या मतलब था? क्या ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है? इसका जवाब है नहीं। ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल कैसे हो सकता है? एक सुपर मैसिव ब्लैक होल तो गामा रेज़ को खारिज करता है जबकि ये लो एनर्जी एक्सरेज को खारिज कर रहा था। तो आखिर वहाँ कौन सी चीज मौजूद है जिसे हम ब्लैक होल कह रहे हैं? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें इसे ब्लैक होल कहना भी चाहिए? क्या ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा मास होने की वजह से ये ब्लैक होल किसी अजीब व करीब ऑब्जेक्ट में तब्दील हो गया हो? क्योंकि कायनात में मौजूद स्टार्स और सियारे ऐसा ही करते हैं। 1995 में साइंसदानों ने एक ऐसा सियारा फाइंड किया जिसका मास बहुत ज्यादा हो गया था, जिसके बाद ना वो एक सियारा रहा और ना एक स्टार, वो एक अजीब करीब सा ऑब्जेक्ट बन चुका था। असल में उस वक्त जब साइंसदान स्पेस को स्टडी कर रहे थे तब उन्हें जुपिटर से ज्यादा भारी एक ऑब्जेक्ट मिला था। पहले तो साइंसदानों को लगा कि ये जुपिटर की तरह एक गैस जॉइंट है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इसकी सतह के नीचे ड्यूटेरियम फ्यूजन हो रहा था जिसके बाद इसे प्रॉन ड्वार्फ का नाम दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि किसी भी सियारे को प्रॉन ड्वार्फ बनने के लिए 13 जुपिटर के बराबर मास की जरूरत होती है। उसके बाद बेशक हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन ना करे लेकिन ड्यूटेरियम के एटम्स अपनी बहुत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से कंप्रेशन में भी फ्यूज होने लगते हैं। ये एक सियारे की लिमिट है, इसको क्रॉस करते ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनता है जिसमें किसी स्टार की तरह न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगता है, लेकिन बाहर से वो अभी भी हाइड्रोजन से बना हुआ एक प्रॉन गैस जॉइंट दिखाई देता है। अगर ये प्रॉन ड्वार्फ और भी ज्यादा मास गेन करता है तो उसके बाद वो एक स्टार बन जाता है। ऐसी कंडीशन तब होती है जब एक प्रॉन ड्वार्फ का मास 80 जुपिटर के बराबर हो, यानी एक प्रॉन ड्वार्फ की लिमिट 80 जुपिटर के बराबर है। इसे क्रॉस करने पर वो एक स्टार में तब्दील हो जाता है। अगर हम बात करें स्टार्स की तो जैसे कि आप जानते हैं हमारी गैलेक्सी में खरबों की तादाद में स्टार्स मौजूद हैं, लेकिन इतने स्टार्स में से कायनात का दूसरा सबसे बड़ा स्टार हमारे सूरज से सिर्फ 30 गुना ज्यादा भारी है। तो क्या ये एक स्टार की मैक्सिमम लिमिट है? इस चीज को स्टडी करने के बाद साइंसदानों ने कहा कि एक स्टार की मैक्सिमम लिमिट 150 सन के मास के बराबर है। अगर उस स्टार का मास 150 सन के मास से ज्यादा हुआ तो उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाएगा जिसके बाद पीछे उस स्टार की कोर बचती है जिसे वाइट वाफ कहते हैं, यानी एक लिमिट क्रॉस करने के बाद वो स्टार एक दूसरे ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर एक वाइट वाफ अपनी लिमिट का क्रॉस करे तो फिर क्या होगा? एक वाइट वाफ स्टार इतना भारी होता है कि अगर उसका साइज स्पिन के बराबर भी हो तो उसका मास एक सूरज के बराबर होता है। इतना ज्यादा मास और इतनी ज्यादा ग्रेविटी की वजह से उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स की एक गर्म लेयर बन जाती है। ये इलेक्ट्रॉन्स वाइट वाफ की ग्रेविटी को बैलेंस करते हैं जिसे वाइट वाफ में सुपरनोवा के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जब एक वाइट वाफ का मास सूरज से 1.4 गुना ज्यादा हो जाता है तो उसकी ग्रेविटी इलेक्ट्रॉन्स नहीं कंट्रोल कर पाते जिसके बाद वो वाइट वाफ स्टार एक न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील हो जाता है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है
जो व्हाइट वाफ के और ज्यादा टेंस होने से बनता है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि इस न्यूट्रॉन स्टार की लिमिट क्या होती होगी और अपनी लिमिट क्रॉस करने के बाद ये किस में तब्दील होता होगा। साइंसदान का कहना है कि ये ब्लैक होल में तब्दील होता है, लेकिन ये न्यूट्रॉन स्टार इतने ज्यादा टेंस होते हैं कि उनका एक चम्मच एक माउंट एवरेस्ट के बराबर होता है और इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को सीधा न्यूक्लियस के अंदर ही घुसा देती है। लेकिन इन सब में एक चीज ऐसी होती है जो न्यूट्रॉन स्टार को सिंगुलैरिटी में कलैप्स होने से रोकती है। वो चीज है इसके न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन स्टार का डीजेनरेसी प्रेशर। मिसाल के तौर पर दो पोल्स एक जगह में फिट नहीं हो सकती, उसी तरह दो न्यूट्रॉन स्टार्स भी एक जगह में फिट नहीं हो सकते। अब अगर इनमें ग्रेविटी ज्यादा होगी तो इसमें कलैप्स होगा। इसके लिए इस स्टार का मास 3 सन्स के बराबर होना चाहिए, जिसके बाद इसमें भी एक एक्सप्लोजन होगा और वो स्टार बन जाएगा एक ब्लैक होल। इसके बाद बात करते हैं ब्लैक होल की, अगर इसकी लिमिट क्रॉस हो जाए तो क्या होगा। ब्लैक होल की एक्रेशन डिस्क की वजह से ही ब्लैक होल का मास बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे ब्लैक होल का मास बढ़ता है वैसे वैसे उसकी एक्रेशन डिस्क का मास भी बढ़ता है। और जब ब्लैक होल का मास सूरज से 50 मिलियन गुना ज्यादा हो जाता है तब ब्लैक होल की एक्रेशन डिस्क अपने ब्लैक होल जितनी भारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों कलैप्स हो जाते हैं और ब्लैक होल चीजों को निगलना बंद कर देता है। यानी 50 बिलियन सन से ज्यादा मास वाला ब्लैक होल मौजूद ही नहीं होना चाहिए, और अगर वो ब्लैक होल मौजूद है तो वो असल में एक अनोमली है। जैसे वो ब्लैक होल M0735 है, काफी देर तक स्टडी करने के बाद साइंसदान को पता चला कि जिस जगह ये ब्लैक होल मौजूद है इसने वहाँ बहुत ज्यादा जेट्स को खारिज किया है। और जब साइंसदानों ने उन जेट्स की एनर्जी को कैलकुलेट किया तो उन्हें ये वैल्यू मिली, जिसने साइंस के दुनिया में तहलका मचा दिया। अब साइंसदानों को जानना था कि इस ब्लैक होल ने इतने पावरफुल जेट्स को खारिज करने के लिए कितना ज्यादा मास खाया होगा। स्टडी से उन्हें पता चला कि ये ब्लैक होल 400 सैजिटेरियस ए ब्लैक होल्स को निगल चुका है और अब इसका टोटल मास 51.3 बिलियन सोलर मासेस के बराबर हो चुका है। यानी ये अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुका है, जिसके बाद इसे ब्लैक होल नहीं होना चाहिए। ऐसे में क्या हम इसे एक ब्लैक होल कह सकते हैं? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी बताएं आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे लास्ट में शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।